बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, और जब घूमने फिरने के लिए कोई जगह नहीं बची तो मेरा सबसे फेवरेट त्यौहार आने वाला है और वो है बकरीद। बकरीद की तैयारियां होती हैं मवेशी मंडी जाकर। सो आज मवेशी मंडी जाएंगे और वहां पर जाकर चेक करेंगे कि आखिर सीन कितना ऑन हो चुका है। जुल्फिकार, और जो मेरे पीछे मनाजिर है इससे आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। कराची की सबसे बड़ी सुपर हाईवे मवेशी मंडी इस वक्त मैं पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पर जो टेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा आबाद नहीं हुए। यही मैं देखने आई थी कि यूजुअली कराची वाले जो हैं वो चांद दिखने के बाद यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर इतना रश होता है कि यहाँ पर वो कहते हैं ना तिल धरने की जगह ना हो, वो वाला सीन होता है। लेकिन अभी यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी ठंडी है, और अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो 4:30-5 बजे का टाइम था। वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, और अभी यहाँ पर जो जानवर हैं उनको खिलाया पिलाया जा रहा है, वो आराम कर रहे हैं, पानी शानी पी रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ जो यहाँ पर जानवर हैं उनकी कीमतें क्या हैं, कुछ व्यापारियों से बात करेंगे और उनके कुछ मसाइल भी सुनेंगे और थोड़ी सी मस्ती करेंगे। देखेंगे बेसिकली कि मवेशी मंडी इस वक्त कितनी आबाद हो चुकी है, और इसके बाद हम टाइम टू टाइम चक्कर लगाते रहेंगे बकरीद तक। तो मेरे साथ रहिए, चल के मैं आपको कुछ जानवरों से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। आइए, पानी के जानवरों का प्रेजेंटेबल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितने साफ होंगे ग्राहकों को उतने ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए जानवरों को नहलाते हैं। और ये जो ब्राउन खूबसूरत सा बैल इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पंजाब से ताल्लुक़ रखता है और इसकी कीमत है 3.5 लाख रुपए। इस टेंट में मौजूद जानवरों के जो मालिक हैं उनका ये कहना है कि अब तक वो 6 जानवर बेच चुके हैं और मंडी की सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। और अब इस गाय की कैटवॉक देखते हैं, जिसकी कीमत है 4.5 लाख रुपए। Now moving to an other tent, यहाँ पर भी बहुत सारे जानवर हैं, जानवरों की कीमतें क्या हैं और मार्केट इस साल कैसी है, आइए इस व्यापारी से जानते हैं। ये तो डर रहा है, ये मैं पीछे जा रही हूँ, ये भी पीछे पीछे जा रहा है।
ये कहाँ का जानवर है? हाथ निकाल दे। रहीम यार खान का ये शहजादा जो छह दांत का जानवर है, इसकी कीमत थी 4 लाख रुपए। दो दांत का है ये, छह दांत का है। देखा, छह दांत का है। सही गैस किया मैंने। और क्योंकि मवेशी मंडी में एक पूरा आरजी शहर आबाद होता है, तो यहाँ पर चाय का ढाबा ना हो ये तो नामुमकिन है। मैंने, हम चाय नहीं पीते। यहाँ पर ना तो लोगों का रश था और ना ही खरीदार मौजूद थे, इसलिए ये चाय वाला अपने लिए ही चाय बना रहा था। और इसने मुझे भी चाय ऑफर की, लेकिन मैं तो चाय पीती ही नहीं। गाय देखते देखते हम गाय की ज्वेलरी की दुकान पे आ गए। ईद पे लड़कियां शॉपिंग करती हैं ज्वेलरी की, और बकरा ईद पे गाय। मैं मास्क नहीं उतारूंगी क्योंकि यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा है, और मैं चाहती हूँ मैं अपने आप को सिक्योर रखूँ। और अगर जब आप यहाँ पर आएँ तो मास्क लगा के आएँ, अपना हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ लाएँ, अपने ग्लव्स अपने साथ लाएँ, और कोशिश करें कि वैक्सीनेट होकर यहाँ पर आएँ। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा ये चेक करते हैं। ये पायल होती है, ये गाय का मोहरा होता है ना, ये गाय का मोहरा होता है। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, वाइट कलर है, ब्लैक कलर है, ऑरेंज कलर है, और ये बहुत मज़े का ब्लू कलर है, फिरोजी टाइप का। अगर आप उधर देखेंगे तो आपको इधर और भी अच्छा ब्लू कलर नज़र आएगा। ये पायल जो है ये कितने की होती है? 70 रुपये जोड़ी है। 70 रुपये की जोड़ी है। और ये जब शहर में बिकती है तो ज़्यादा महंगी हो जाती है या यहाँ ज़्यादा महंगी होती है? खुद ही बता दिया उसने, यहाँ ज़्यादा महंगी होती है। और ये मोरा कितने का होता है? 2000 रुपये का। 2000 का। तो ये मोरे सब एक ही साइज़ के होते हैं क्योंकि गाय बहुत बड़ी होती है। से गाय की नाक छेदते हैं, फिर उसको मोहरा पहनाते हैं ताकि वो कंट्रोल में आ जाए। और ये सब उस गाय के साथ करते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली गाय होती है, कंट्रोल में नहीं आ रही होती। और इसमें घंटी भी लगी हुई है ना, ये देखिए इसमें घंटी भी लगी हुई है। टन 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 टन। नदीदे बच्चे नहीं होते, ये वो नदीदा बच्चा है। चेक करेंगे खा कैसे रहा है, कैमरा करीब लेके जाएं, सब खा जाऊंगा मैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। तो शफीक भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला पाकपतन से आया हूँ, बाबा फरीद की नगरी। और आप कितने जानवर लाए? मेरे पास 42 जानवर हैं। और अभी तक कितने सेल हो गए? अभी एक भी नहीं सेल हुआ है, मैंने परसों माल उतारा है। कि वो जो हर साल हम सुनते हैं पानी कम दे रहे हैं, पैसे ज्यादा ले रहे हैं, पानी तो बस वो जानवर के हिसाब से दे रहे हैं। 16 लीटर जानवर को दे रहे हैं। एक जानवर को 16 लीटर। और उसकी कीमत कितनी है? पानी की उन्होंने पैसे पहले ले लिए थे, पर्ची के साथ ही पैसे ले लेते हैं वो पर डे के हिसाब से। तो आपने कितना दिया? ये तो पर्ची 1800 रुपये जानवर के दिए, और चार्जिंग गाड़ी के 1800 रुपये दिए, 1100। एक एक दिन के? तो आपने कितने दिन का दिया है? एक दिन के नहीं, सारे दिन के, टोटल जो 20-25 दिन है वो सबके एक ही जैसे बात दिए। अभी चांद दिखने में कितना टाइम है? आज चांद की 19 तारीख है मेरे ख्याल से, तकरीबन है 10। तो अभी 12 दिन ये है और 9 दिन वो है, तो आपने पूरे पैसे दे दिए? पूरे पैसे। तो फिर जानवर तो महंगे हो गए होंगे, इसका मतलब है जो खिलाते पिलाते। कौन कौन से जानवर है आपके? मेरे पास ये तुली पड़ी है, वो सामने बंधे हुए, ये साइड में बंधे हुए सारे, ये वाले जानवर भी आपके हैं? ये भी। अच्छा, ये जो छोटे वाले जानवर हैं, ये इनके कद छोटे होते हैं? ये छोटी नस्ल के हैं या अभी ये बच्चे हैं? ये नहीं, ये छोटी नस्ल के हैं, ये भी दो दांत हैं। तो ये कौन सी नस्ल है? ये है सिंधी वाली नस्ल है, तो छोटी जानवर सिंध के जानवर होते हैं। इसको क्या टेडी बोलते हैं? हां वही बोलते हैं, टेडी बोलते हैं। और इनकी क्या कीमत है? ये 1,20,000 मांग रहे हैं, किसी का 1.5 मांग रहे हैं। और ये है छोटी नस्ल के सिंध के जानवर, जो इनके बाड़े में सबसे छोटे और सबसे कम कीमत के जानवर हैं। लेकिन इनकी मस्तियाँ चेक करें, इन्हें तस्वीर बनवाने और वीडियो बनवाने का कितना शौक है। उसको देखो। आपके पास सबसे महंगा जानवर कितने का है? मेरे पास सबसे जानवर महंगा 6.5 लाख। वो कौन सा है? वो ब्लैक बछड़ा, वो जो उड़ गया, वो खुद ही उड़ गया अपना नाम सुन के।
चेक करें उसको, इसीलिए तो इतना महंगा क्योंकि समझदार है। शफीक भाई के जानवरों में सबसे महंगा जानवर है जो कि मुझसे डर रहा है और मैं इससे डर रही हूँ। हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं। शरीफ आदमी है ये, शरीफ आदमी है। हेलो, ये तो बहुत डर रहा है मुझसे। हाँ जी डर रहा है, शरीफ है ना ये, फासल है। हाँ जी, और ये 6.5 लाख रुपए का है। क्या खाते हैं ये बहुत कुछ खाते। अब ये मत बोलेगा कि हम इन्हें मक्खन खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। फायदा नहीं, हमें क्या फायदा, दूध पिलाते नहीं इनको, ऐसे दूध बोलने का फायदा। वैसे जानवर वाकई में दूध पीते हैं? वो जो बड़े टेंट वाले वो पिलाते हैं। ये रोटियाँ क्यों हैं? ये इनका चारा है। तो आप इनको रोटियाँ खिलाते हैं? रोटियाँ खिलाते हैं। और यहाँ पे जो चारा है वो भी खरीदना पड़ता है? वो भी खरीदना पड़ता है। तो उसके भी एक साथ पैसे दे दिए? नहीं, वो रोजाना के डेली के चार्जेस हैं। तभी तो जानवर इतना महंगा हो जाता है। लगाएं छोटे छोटे जानवर देखे, और अब यहाँ पर ये देखें, ये दो जानवर हैं, जोड़ी है ये, और इनका अब देखें ये कितने ज़्यादा जाइंट हैं। मारते तो नहीं है? मारते हैं? ये मारता है और ये नहीं मारता। एक शरीफ है और एक बदमाश है। मैं इनके पास जाने की कोशिश करती हूँ। भाई ये कितने की जोड़ी है? और अगर एक कोई खरीदेगा तो 25 में देंगे। 50 लाख के ये दो हैं। इधर आओ, उस वाले के पास मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो वाला मारता है। ये कहाँ के जानवर हैं? ये सिब्बी के बैल हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई चिड़ियाघर का हाथी चला रही हूँ। माशाल्लाह से ये इतना हैवी जानवर है। आ जाओ, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। आ जाओ। देखिए मेरी हाइट है 5'7", ये 6 फीट से भी ऊपर का जानवर है। भाई ये वाला कितने का है? ये 12 लाख का है। बाकी में बहुत महंगे हैं। ये जो मैंने आपको बहुत जाइंट वाले दिखाए हैं ना, ये वाले दोनों हैं 50 लाख की जोड़ी है। ये 12 लाख का है। यार वो इतना जाइंट है, मैं उसको खींच रही हूँ तो वो आगे आ रहा। चिड़ियाघर का हाथी नहीं होता, उसको यूँ ऊपर करके देखते हैं, वही वाला सीन है इसका। ये देखें यहाँ पर, ये इसको मैं कहती हूँ अपनी ज़बान में चटर पटर। तो यहाँ पर चटर पटर की चीज़ें भी मिल रही हैं। गायों को लोड करके ले जाती हैं। अच्छा, आपने ब्लैक, ब्राउन, वाइट ये सारे जानवर तो देखे होंगे। ब्लैक कलर की भैंस भी देखी होगी, लेकिन ये आप मेरे पीछे देखिए, ये भैंस है और ये पिंक कलर की है। ये लिटरली पिंक कलर की भैंस है। और मारती है ये? कितने की है ये? कितने की है? 5 लाख। 5 लाख लोग करते हैं भैंस की कुर्बानी। मैं सोच रही हूँ उससे पूछूं कि भैंस पानी में कैसे जाती है। बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, लेकिन भैंस को कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है ये क्या करने यहाँ पर आई है कि आंखें चेक करें। सारी गायें जाग रही हैं और ये सो रही है। वो देखें, वो सब जाग रही हैं, एक्टिव हैं। भाई ये वाली कितने की है? ये वाली कितने की है? 3.5 लाख रुपये की है। और ये सब अभी खाना खा रही हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या सीन है, क्योंकि अब शाम होती जा रही है, लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो जनाब ये सिचुएशन है मंडी की। ये वाली मंडी तो हमने देख ली है, अब लोगों ने भी आना शुरू कर दिया है 5 बजे के बाद। लड़के भी आ रहे हैं बाइक्स पे। लेकिन यहाँ पर जितनी मिट्टी है, जितनी पॉल्यूशन है, और फिर आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से बड़ी मुश्किल से अभी गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि मंडी में या फिर जो सोशल गैदरिंग है उसको अलाउ करें। तो खुद से इस चीज़ का ख्याल रखें, मास्क पहन कर आएँ। आपको कोरोना के ऊपर वो नहीं है कि भाई नहीं अब ख़त्म हो गया या जो भी है, एटलीस्ट डर से बचने के लिए पहन कर आएँ। और जैसे कि मैं भी ये कोल्हापुरी पहन कर आ गई हूँ, तो ये गलती भी ना करें। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो इंशाल्लाह जॉगर्स पहन के आऊँगी, आपके पाँव भी गंदे होंगे। यहाँ पे देखें पूरी, यहाँ पे इन्होंने मार्केट लगाई हुई है। आगे आपको समोसे वाला
उधर आपको फ्रेश जूस मिल रहा है, गोश्त भी मिल रहा है इनफैक्ट। तो ये है एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो हर साल सुपर हाईवे कराची पर लगाई जाती है। मज़ीद बहुत सारे स्टॉल्स थे जहाँ पर जानवरों की सजावट का सामान मिल रहा था, बहुत सारे जानवर थे जिनकी मुख्तलिफ कीमतें और मुख्तलिफ खसूसियात थीं। एक जानवर है जिसके ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है, उस जानवर से भी आपको मिलवाएंगे। और एक मिसहैप जो मैंने देखा वो ये था कि एक ट्रक से जब इन जानवरों को अनलोड किया जा रहा था तो एक जानवर ट्रक में लेटा हुआ था, शायद वो मर गया। अब इस गाय के साथ क्या हुआ, ये गाय जिंदा थी या वाकई मर गई थी, मंडी में और कौन कौन से जानवर हैं जिनसे मैंने मुलाकात की, उनकी कीमतें क्या हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, ये सब कुछ हम आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो अब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।